वेलकम गामा करियर क्लासेस बाय अश्वनी सर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आज आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, मतलब सेकंड प्रॉब्लम्स बताऊंगा, सेकंड टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, पहले हमने बताया था कि क्या कहते हैं एक्स ई की पावर एक्स का था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन था। आज मैं बताऊंगा कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स। इसमें हम कैसे प्रॉब्लम कराएंगे, फर्स्ट पहले मैं इसको जो मैंने पहले बनाया था उसमें हमने फॉर्मूला भी लिखाया था, मैं आज इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूले को। फॉर्मूला ये है एफ वन एक्स इंटीग्रेशन एफ वन एक्स एफ टू एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स, सेकेंड फंक्शन क्या है एफ टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है डिफ्रेंशिएट यानी एफ वन एक्स, एंड सेकेंड फंक्शन क्या होगा ये एफ एफ टू एक्स डी एक्स। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है एफ वन एक्स एफ टू एक्स डी एक्स, यानी दो फंक्शन दिए होंगे एफ वन एंड एफ टू दिए होंगे। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे एंड उसके मल्टीपल में क्या करेंगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे होल लगाएंगे, मतलब पूरा ब्रैकेट लगाएंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन जो होगा यानी हमने क्या किया है एफ वन एक्स, ठीक, एंड सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। फिर जब इसका पूरा हो जाएगा तो इसके बाद भी मैं क्या करूँगा इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं किसका प्रॉब्लम बताऊंगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको कैसे करेंगे। इसमें पहले लेट कर लेते हैं क्या एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब डी एक्स की प्लेस में क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि हमने थीटा के फॉर्म में क्या चेंज की हुई है इसकी वैल्यू यानी sec स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। क्या किया हुआ है मैंने x की वैल्यू ने लेट की है tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू मैंने लिखी x की प्लेस पे लिखी tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब dx की वैल्यू हमने डिफरेंशिएट करके निकाली हुई है dx इक्वल टू क्या आया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको मैंने पुट की है डी थीटा के प्लेस पे। इसमें क्या करेंगे cos इनवर्स 1 माइनस इसमें हम क्या करेंगे साइन टेन स्क्वायर थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इसके मल्टीपल पे है, ठीक। इसको हम जो करेंगे नहीं कटेंगे नहीं, इसको हम पहले इसको ऐसे करते हैं, ये एंगल है क्योंकि कॉस इनवर्स एंगल ये दिया हुआ है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन होल सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका हम पहले एलसीएम लेंगे इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा का होल सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस टू थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करेंगे किसके फॉर्म में कॉस के फॉर्म में, तो क्या होगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डिवाइड क्या वन आया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी आया क्या इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा लिखा हुआ है तो ये क्या आएगा टू थीटा आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन टू थीटा, ये क्या हुआ कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा क्या आया टू थीटा साइक स्क्वायर
थीटा डी थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड वाले क्या लगाएंगे, फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी टू कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट फंक्शन में क्या लेट करूंगा थीटा को, सेकंड फंक्शन क्या हुआ sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा माइनस डी बाई डी एक्स डी थीटा, एंड फर्स्ट फंक्शन क्या है थीटा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें क्या किया हुआ मैंने, फर्स्ट फंक्शन को लेट किया हुआ थीटा, सेकंड फंक्शन को sec स्क्वायर थीटा, यानी इसमें क्या किया, फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करेंगे इसका, फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ थीटा, और डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि क्या हमने थीटा में क्योंकि वैल्यू हमने चेंज की हुई है। ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल डी थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, होल ब्रैकेट थीटा, ये क्या होगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा का होगा tan थीटा माइनस इसका होगा वन मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा होगा tan थीटा डी थीटा, टू थीटा की वैल्यू से हम निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, क्योंकि मैंने इसको tan को क्या किया सर ट्रांसफर किया, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे थीटा के प्लेस में लिखेंगे tan इनवर्स x, और सेकंड क्या लिखेंगे tan थीटा, थीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, ठीक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है, माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो log sec थीटा, log sec थीटा। अब इसको हम sec थीटा को चेंज करेंगे, sec थीटा को होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, अगर हम इसमें sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो रूट के अंदर आएगी 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec थीटा, थीटा के sec थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम वैल्यू सी में रखेंगे, टू tan इनवर्स x ऐसे लिखेंगे, tan x tan tan इनवर्स x ये क्या होगा x होगा, यानी इसके मल्टीपल में क्या लिखेंगे x लिखेंगे, माइनस log sec थीटा की वैल्यू निकाल रखेंगे क्या, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टू x tan इनवर्स x माइनस log रूट के अंदर 1 प्लस tan थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे x लिखेंगे, यानी क्या होगा x स्क्वायर होगा प्लस c, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर, इसमें देखिए फर्स्ट एक ही फंक्शन दिया हुआ है और जो मेरा जो चैप्टर चल रहा है उसमें पार्ट वाइज है, तो कोई भी वैल्यू लिखी हुई है उसके मल्टीपल में हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो उसमें हम लेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग 1। तो यानी इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे log x को, यानी इसको मैं ऐसे लिख ले पहले 1 log x का होल स्क्वायर। क्या किया हुआ है, किसी भी नंबर के मल्टीपल में क्या होता है हमेशा 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 ही आएगा, तो इसमें भी हम log का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा log x ही आएगा, ठीक। इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या होगा होल स्क्वायर होगा, तो मैं इसका फर्स्ट फंक्शन क्या मानता हूँ log x को, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा इसमें रखूंगा वैल्यू को log x इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यानी log x का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन 1 x का डी एक्स। इसमें क्या करेंगे log x का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे
अब वन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई में माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। जब होल ये इसका हम लेट कर लेंगे, लेट करके करेंगे लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो इसमें क्या होगा टू लॉग एक्स होगा। अब लॉग एक्स हो गया, अब इसके बाद लॉग एक्स का भी तो क्या होगा डिफरेंशिएट होगा, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा वन अपॉन एक्स होगा। क्या किया मैंने, पहले में लॉग एक्स के होल पावर टू का मैंने क्या किया डिफरेंशिएट किया, तो उसका क्या आएगा टू लॉग एक्स मल्टीप्लाई। अब लॉग एक्स का क्या करेंगे, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है वन अपॉन एक्स। अब जब इसका क्या करेंगे वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स आएगा, तो इसके मल्टीपल में भी क्या होगा एक्स होगा, ब्रैकेट लगाएंगे डी एक्स लिखेंगे। अब मैं एक्स को आगे लिखता हूँ लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, ये डिवाइड होगा यानी क्या आएगा वन आएगा, यहाँ पे टू हमने कॉमन ले लिया लॉग एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको होल स्क्वायर था तो मैंने इसको क्या अलेक्ट किया था वन इसके मल्टीपल में अलेक्ट किया था, अब इसको हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट सेकंड वाला फंक्शन दो फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें भी हम क्या फिर सेलेक्ट करेंगे वन, यानी इसको मैं ऐसे लिखेंगे लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, इसको एक ब्रैकेट में लगा लेंगे, क्या लिखेंगे लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन मैंने वन लेट किया हुआ है तो वन का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स एंड सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स का होल डी एक्स, ये पूरा भी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यानी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, इसका करेंगे इंटीग्रेशन वन का करेंगे, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स आएगा, यानी एक्स लॉग एक्स लिखता हूँ मैं डायरेक्ट माइनस, इसका करेंगे डिफरेंशिएट लॉग एक्स का तो क्या आएगा वन अपॉन एक्स आएगा, एंड इस सेकेंड फंक्शन इसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन वन का क्या आएगा एक्स आएगा, ये डिवाइड होगा यानी वन आएगा डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स लॉग एक्स माइनस, अब यहाँ पे क्या हुआ वन हुआ यानी वन का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स होगा डी एक्स नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका क्या किया है आंसर लिख दिया है एक्स प्लस सी, ये क्या होगा इसका आंसर होगा, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कॉमन लेना है एक्स कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सभी के मल्टीपल में क्या है एक्स कॉमन है, ठीक है, और जैसे मतलब अकॉर्डिंग टू बुक आंसर आता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, पर इतना भी राइट है क्योंकि इसमें आंसर क्योंकि आंसर तो मेरे को पता नहीं कितना आ रहा है, एग्जाम में आएगा तो मैं इतने ही करूँगा तब भी इसमें नंबर मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसमें क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन को मानेंगे किसको एक्स को मानेंगे एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे ना तो काफी लंबा क्वेश्चन जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, यानी टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। क्या किया हुआ है मैंने फर्स्ट फंक्शन माना हुआ है टेन इनवर्स एक्स को एंड सेकेंड फंक्शन माना हुआ है एक्स को, क्योंकि ये इसको हम करते टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स में क्या होता है इंटीग्रेशन में रॉन्ग हो जाता है इसका होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं एक्स को मानूंगा सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन किसको मानूंगा टेन इनवर्स एक्स को, और हमने फॉर्मूले पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू को हमने पुट किया हुआ है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स, इसका जब करेंगे एक्स का तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन, इसका जब डी वाई डी एक्स करेंगे टेन इनवर्स एक्स का तो आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स डिफरेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड जब एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स,
अब इसमें क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स, इसको हम आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसमें कॉमन लेंगे वन अपॉन टू को, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या आया, माइनस का वन अपॉन टू कॉमन लिया, इंटीग्रेशन लगाया एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वन का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम लेट कर लेंगे क्या, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स इक्वल टू आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे पूरे में करेंगे, एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, एक्स स्क्वायर के प्लेस में लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, अब ये होगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको चेंज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको क्या किया मैंने, डिवाइड किया तो क्या आया वन आया, इसको हम फिर टेन, इसमें क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे सेक के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ए के फॉर्मूला होता नहीं है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, टेन स्क्वायर थीटा की, क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का माइनस को जाएगा यहाँ पे, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। हमने क्या किया हुआ है, केवल हमने टेन स्क्वायर थीटा इसमें मल्टीपल में इसको डिवाइड किया तो क्या है टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। क्या किया मैंने, हमने वैल्यू पुट की है किसकी, टेन स्क्वायर थीटा की, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट की हुई है sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये ऐसे ही लिखेगा क्योंकि ये क्या है इसका हो गया सॉल्यूशन, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, इसको अलग अलग करेंगे यानी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस वन का करेंगे डी थीटा। अब वैल्यू हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो टेन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा टेन थीटा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है टेन थीटा माइनस, अब इसका वन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा थीटा आएगा। अब हमको वैल्यू आधा क्वेश्चन दिए, हमने किसमें किया है एक्स में किया और आधा हमने किस में टेन में किया है, तो हमने जो टेन थीटा में लेट किया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी एक्स इक्वल टू टेन थीटा लेट किया हुआ तो थीटा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स एक्स, वैल्यू को पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एन नहीं एक्स है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू टेन टेन इनवर्स एक्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, इसमें क्या करेंगे ये होगा एक्स माइनस ये होगा टेन इनवर्स एक्स, लेट्स सी ये क्या होगा इसका आंसर होगा। देखिए मैंने आज जो टॉपिक क्या किया, मैंने आज ने सारे जितने भी क्वेश्चन बताए इनवर्स के फॉर्म में बताए हैं, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसमें मेल करिए, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक, और इसमें जो और भी प्रॉब्लम्स हैं 20 मिनट में मैं जितने क्वेश्चन कराए हैं इनमें से कोई ना कोई तो एक आएगा इंपॉर्टेंट, तो है मेरा वीडियो कोई भी देखिएगा इसमें एक एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन में वैल्यू, अब यहाँ पे एक्स टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है,
यहाँ पे x लिखा होगा तो एक्यूरेट वैल्यू वही है, तो मैथ में एक्यूरेट वैल्यू कोई भी नहीं आएगी। एग्जाम में केवल मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ही पे मेरा वीडियो है पूरा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हुआ हो तो बताइएगा। थैंक यू सर।